फाइनली आज हम हमारी नई गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो जी हम लोग शोरूम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लाइक अबाउट टू एंटर। बच्चे बढ़ गए थे घर में, इसलिए गाड़ी भी बड़ी लेनी थी, और फाइनली हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं नहीं बोलूंगा पता है, नहीं पता तो है, पता है हाँ, सब लोगों से सलाह ली थी हमने, और फाइनली आज हम हमारी नई गाड़ी लेने जा रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि गाड़ी ही उनके लिए ली जा रही है। क्योंकि भाई फैमिली कार है तो फैमिली नहीं जाएगी साथ में, हम दोनों जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, अमिता जा रही है, और एक बार बच्चों से मिला दे। गाड़ी की डिलीवरी के लिए कैसे तैयार हुए हैं। ये रहा सबसे बड़ा बच्चा, फ्रॉकी फ्रॉकी पहन के रोने में लगा कि कब निकलेंगे। ये रे मम्मा बेचा साथ में एकदम तैयार, और ये डमरू भी तैयार हुआ है। डमरू को देखो हमने वो पहना दिया, पागल हो गया कि मेरे को क्या पहना है, निकाल लो। कितने रोल मार रहा है, रोल पे रोल मार रहा है। इसने पहली बार पहना है, बुरा माना है थोड़ा सा। और ना वो उसकी कैंडी की ना फ्रॉक खींच रहा था मुंह से, ना सबके कपड़े फाड़ रहा है ये। हाँ, सबके कपड़े फाड़ रहा है। तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं, शामुन आता ही होगा एनी मोमेंट, हमारा दोस्त अविनाश भी वहाँ से 2.0 भी हमें फॉलो करेगा, और हम लोग सारे जाएंगे गाड़ी की डिलीवरी लेने। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ये सब हमारी लाइफ में हो रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और गाड़ी कौन सी है आपको वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च की और हमें ऐसा लगता है कि हमने ना बेस्ट कार चूज की है फैमिली के लिए, इससे बेहतर कार हो नहीं सकती। और बहुत सारे हम लोगों ने ट्रायल लिए, ड्राइव्स ली, सब गाड़ियों की ड्राइव्स ली, और आपने तो बीच में देखा भी कि मैं तो गोवा में भी गाड़ी की ड्राइव भी ले रही थी। तो सारी चीजों की ड्राइव लेने के बाद हम लोग जिस नतीजे पे पहुंचे वो अभी आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। हम लोग बस वेट कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। ऊपर कुछ ऐसा कोट वोट नहीं, बहुत गर्मी है, पहन लेते हैं। पहन लो, चाहो पहन के बताऊं कि ऐसे रहने दो, मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, कैजुअल टाइप। हाँ, इतनी कलरफुल टी शर्ट है, इसके ऊपर क्या आप पहनोगी। ठीक है। और कलरफुल से याद आया कि भाई कलर के लिए बहुत लड़ाई हुई है, बहुत ज्यादा मशक्कत हुई है। मेरा कलर कोई और था, संभावना कोई और था, मुझे संभावना जो कलर चूज करी थी वो पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने वो कलर सामने से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कलर में तो आपको वाइफ की चॉइस के साथ ही जाना चाहिए। शामुन आ गया, हाय शामुन, हेलो। अच्छा, तो पहली बार में आ रहे। हाँ। कैसा लगा मेरा कोको? बहुत प्यार है यार, ये तो कोको के लिए हमारे पास चेन ही नहीं है। इसको गोद में रखना है, इसको चेन की जरूरत नहीं है। ये रस्सी किसने दे दी इसके लिए? ये कहाँ से आई है, तो अभी तक इसको आएगी भी नहीं, अभी तो ये सब कहाँ पहनेगा। नहीं, इसको गोद में रखेंगे यार, इसको उतार भी नहीं सकते थे, क्या फायदा है। कोई तो पतली चेन होनी चाहिए ना, तो पहले पुरानी चेन होगी, चुनचुन की होगी, पहले की दे दे, वो एक दे दे मेरे को। हाँ, ये सही है ना, पतली वाली कम को इधर। इसको तो कोई जरूरत नहीं है, इधर आ। अरे अरे अरे, देखो ना, अरे मान ही नहीं रहा है। एक से चम्मच को पकड़ना जरा इधर, इसको इसको ऐसे ही पकड़, ऐसे पकड़। तुम ना बस पहली बार कोको वॉक करके नीचे जाएगा। बेबी इसको ना गोदी में ले लो, लिफ्ट में और डॉग्स भी जाते हैं ना। आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ जाओ। तुम इतना क्यों डर रहे हो बेबी? यार अभी उसके इंजेक्शन पूरे नहीं हुए ना, लिफ्ट में और डॉग्स। हां, वो भी तैयार नहीं, वो अमिता को, वो अमिता को। चलो छोटे बंदर, मैं बैग का कुछ नहीं ले रही हूं बेबी, चलेगा। फिर इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बैग भी हैंडल करो, ये भी हैंडल करो, कहां-कहां से हैंडल कर रहे हैं हम। छोटा बाबा, उसकी नजर अमिता पे ही है कि वो कब आएगी। देखो देखो, तुम टिश्यू ले लिए ना? हां, चल चल। पहली तो सेंट्रो थी, सेकंड थी होंडा सिटी। तो जो होंडा सिटी हमने ली थी तब शामुन और मैंने ही ली थी तब साथ में, तब भी। और उसमें ना ऊपर से पहली बरसात में ना बारिश के अंदर पानी टपकने लग गया, पूरा पानी आ गया अंदर, तो मैं और शामुन लड़ते गए थे वहाँ पे। तो रास्ते मुझे बोलता है, मेरे को ऐसे देखते बोलता है, इतना मेकअप, ये तू लड़ने जा रही है, फैशन शो में जा रही है। मैं गाड़ी उनके शोरूम में छोड़ के आ गई थी, मुझे चाहिए ही नहीं। तो जी हम लोग शोरूम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लाइक अबाउट टू एंटर, और मैं आपको बता दूं गाड़ी कौन सी है। गाड़ी है MG Hector। कलर कौन सा है वो आप
आपको देख के पता लगेगा। अविनाश ने भी नहीं देखा, मैंने देखा है कलर। मैंने देखा है कलर, क्यों नहीं देखा है? तुमने कहाँ देखा? फोटो में। फोटो में देखा है इसने, मैंने सामने से देखा है। मैंने देखा है ये गाड़ी जब आई थी तब मैंने कलर नहीं देखा हुआ था, वो कलर मैंने देखा है, देख के सिलेक्ट किया था। बस बस एकदम बढ़िया। फाइनली गाड़ी लेने के लिए मेरे बहुत खास दोस्त मतलब शामुन होता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। आज इस बार अविनाश भी है तो हमें बहुत इक्वली बहुत खुशी है। आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ। जैसे कि आप देख रहे हो हमें तो आते ही कॉफी मिल गई है, हम सबको मिल गई है। अमिता की चाय आ रही है, बड़ा अच्छा शोरूम है एंड दैट्स कुलदीप। एंड इनसे ही हमारी सारी बातचीत हुई थी, इन्होंने ही सारा कुछ सेटल किया क्योंकि हम लोग शायद और लेट लेने वाले थे डिलीवरी। पहले हुआ कि बहुत जल्दी लेंगे, फिर हो गया कि बहुत लेट होंगे, तो इनको भी सारी चीजें मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बट देन ही रियली हेल्प्ड अस। और ये शोरूम की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपके पास यहाँ पे कॉफी अच्छी है। फाइनली हम लोग शोरूम में पहुंच चुके हैं और पीछे खड़ी हमारी गाड़ी बच्चों के साथ, हमारी फैमिली कार, क्योंकि बच्चे बढ़ गए थे घर में इसलिए गाड़ी भी बड़ी लेनी थी। और फाइनली अब आप लोग को दिखाने जा रहे हैं कि कैसी हमारी MG Hector, और अब हम साथ में उठाएंगे इस कर्टन को। और मुझे ना सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि मैं बच्चों को पहले गाड़ी में बिठाना चाहती हूँ। फाइनली वो दिन आ गया है एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। चलो शुरू करें। यस, 1 2 3। हमारे पास है और अब मैं बच्चों को लेके आऊंगी और एक एक करके बिठाऊंगी। पहले जरा गाड़ी आप देखियो। हमारी गाड़ी अनवील हो चुकी है, देख चुके हैं आप गाड़ी, और अब इस समय केक कटने जा रहा है तो केक कटिंग होगा। बड़ा प्यारा सा केक यहाँ पे आया है और ये इतना अच्छा बहुत प्यारा डेकोरेशन किया इन्होंने, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ। एंड द होल स्टाफ इज वेरी वेरी नाइस हियर। और हमारे बच्चों की भी पूरी केयर हो रही है यहाँ पे, बच्चे फाइनली आ गए हैं क्योंकि वो बम पटाखों से डर जाते, तो अब यहाँ पे आ रहे हैं सारे बच्चे और यहाँ पर अभी हम लोग केक काटेंगे बच्चों के साथ, अमिता के साथ, सबके साथ केक काटेंगे हम लोग। बाबा देखो देखो जो नई न्यू कार आई है आप लोगों की, न्यू कार। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये एक्साइटमेंट मैं ना ज्यादा बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ ये गाड़ी लेकर, इतनी खुश हूँ क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े आराम से गाड़ी में ट्रैवल करेंगे। हम लोग जो भी थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं बच्चों के साथ, थोड़े से वेकेशन पे जाते हैं, तो वो बड़ा इजीली हो पाएगा। एंड आई ऑलवेज लव दिस कार। मैंने जितनी बार मैंने ना लिटरली मेरे सब्सक्राइबर्स को देख देख के, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स चला रहे थे गाड़ी और उन्होंने मुझसे बात करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी और मैं जाके उनकी गाड़ी में बैठ गई कि 2 मिनट मुझे आपकी गाड़ी देखनी है। तो वो सब्सक्राइबर्स भी देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मैं ये गाड़ी ले पाई हूँ। अगर ये आप लोगों की गाड़ी मैंने नहीं देखी होती तो शायद मुझे इसका इंटीरियर पता नहीं लगता, जो कि अभी आप भी देखोगे। अलग अलग चम्मच मंगाए गए हैं ताकि मैं सबको केक खिला सकूं थोड़ा थोड़ा। पहले तो थोड़ा मैं ही खा लूंगी।
तो मैं फर्स्ट टाइम अब इस गाड़ी में बैठ रही हूँ आप लोगों के साथ, अविनाश और मैं, गोरा अविनाश और ये रही मैं। बच्चों को भी बिठाएंगे। I feel so blessed. ये गणपति पापा, thank you so much. ये मेरे पापा की blessings है। ये पापा की blessings से हुआ है सब कुछ। तो ये गाड़ी को मैं अब ऑन करने जा रही हूँ और ये रहा स्टार्ट का बटन, दबा दिया मैंने। बेबी जरा स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन के ऊपर ही तो प्यार आ गया मेरे को पूरा। हाँ यार, ये देखो गियर बॉक्स कितना प्यारा है। और ये आई थिंक ये कॉफी के लिए हमारा। गाड़ी में बैठने के बाद लग रहा है कि हमने इतना करेक्ट फैसला लिया है ना, एमजी हेक्टर लेके। मतलब मेरे अंदर क्या हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये है हेक्टर शार्प सीवीटी प्रो, फुल्ली ऑटोमेटिक पेट्रोल, और इसमें हेक्टर प्लस भी आती है जो कि 7 सीटर होती है। वो हमने नहीं ली, हमें 5 सीटर चाहिए थी और डिक्की बड़ी चाहिए थी, तो हमें काफी स्पेशियस बूट मिला। जब 5 सीटर लेते हो तो आपको बूट स्पेस बहुत मिलती है। इतनी कमाल की है ना कि इतना सामान आ जाएगा इसमें कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों के साथ ट्रैवल करने में हमें सबसे आसान रहेगा। ये देखो ये क्या है, ये ऐसे खुल जाएगा क्या? ये छुटपुट चीजें रखने के लिए और अपना चार्जिंग के लिए। और ये जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा मैट, ये शाइनी, फिर सिल्वर, फिर मैट, और ये देखो ना सिल्वरिश, बेज, ब्लैक, बेज, बहुत प्यारा है बेबी। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है यार। पीछे सबसे बेस्ट तो मुझे इसका ना ये गियर लगता है, ये है ना, ये आपने इसमें डाला कितना खूबसूरत है गियर, ये डी पे डाला और गाड़ी स्टार्ट। ओहो, आपको इसका ना ये भी दिखा देती हूं, स्क्रीन जो है ना ये देखो कितना बड़ा है। सो एवरीथिंग यू गेट हियर। सो आई थिंक हमारी जब फोन के साथ ये कनेक्ट होगा तब ये ज्यादा फीचर्स आ जाएंगे ना। तो जी आपको सबसे पहले इसका सनरूफ दिखा देती हूँ। काफी बड़ा सनरूफ है। और भी खुलेगा? नहीं नहीं, मैं आपको ना इस गाड़ी का फील नहीं बता सकती। जिन लोगों के पास है ये गाड़ी वो ही समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। और नई गाड़ी हो तो यार ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है, बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ा दिल से गाड़ी लिया है। दोस्तों आप लोगों की वजह से ये सब हम लोग कर पा रहे हैं कि आप लोगों ने ना बहुत दिल से हमारे लिए दुआएं की हैं, बहुत दिल से हमारे लिए अच्छा सोचा है। तो जब आप अच्छा सोचते हो ना तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो ना आप वो ओवरकम करते हुए सही रास्ते पे चलते हो और अच्छे रास्ते पे चलते हो। और पीछे लेग स्पेस इतना ज्यादा है ना, मतलब 5 लोग आराम से बैठेंगे। ये लेने का एक और सबसे बड़ा रीजन ये था कि अभी हम लोग जो महाबलेश्वर गए थे और हमने ड्राइवर हायर किया था, तो हमें रियलाइज हुआ कि हमें ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ड्राइवर चाहिए। तो अगर ड्राइवर हो तो हमारे पास इतना स्पेस होना चाहिए कि हम चारों बच्चों को लेकर गाड़ी में मस्त बैठ सके। और आपको बता दूं कि ये सीट ना पूरी नीचे हो जाती है और बेड बन जाता है। आप इसको पूरा बेड भी बना सकते हैं और गोवा जा सकते हैं सो के। आप जाइए गोवा। और ये है इसका बूट स्पेस, और बूट स्पेस इतना कमाल का है कि बटन दबाओ और 3 बीप के बाद डिक्की खुल जाती है। और एक तो बहुत प्यारी सजावट की है एमजी के शोरूम ने, पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है, वो तो कितने प्यारे पिक्चर लगाए। और ये देखो बूट स्पेस, ये जो लड़की हमेशा बैग भर लेती थी ना सूटकेस भर के, और मैं कहता था यार कैसे जाएगा गाड़ी में, वो समस्या सॉल्व हो चुकी है। आई गेस इसके नीचे भी है बेबी बहुत स्पेस, इसके नीचे भी बहुत स्पेस है, ये भी खुलता है। ये देखो ये बूट के नीचे दिखा रहा हूं मैं आपको, इधर देखो कितना स्पेस है, यहाँ पे आप सामान रखो ही रखो और उसके बाद आपके जितने सूटकेस वूटकेस है वो तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। बटन दबा, बटन 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 पैसा खुलता है अपने आप। जी अब बारी आ गई है बच्चों के बैठने की, तो सबसे पहले सीनियर मोस्ट बैठेगी। नहीं ना सुसु ना कर दे। अब दूसरा बच्चा आएगा कैंडी, चलो कैंडी बैठेगा यहाँ पे। चल भाई डोलू पापा, चल अमिता तू इधर आ जा। अब अमिता बैठेगी, वैसे अमिता ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुकी है। सबसे पहले जब ट्रायल लिया था तो मैंने और अमिता ने लिया था, तो अमिता को पता है इस गाड़ी का। एंड ही इज कुलदीप। कुलदीप थैंक यू सो मच, कुलदीप ने बहुत हेल्प की एक्टर के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, और बहुत ही प्यारी डिलीवरी, बहुत ही अच्छे से एक बढ़िया सेलिब्रेशन के साथ हमको गाड़ी डिलीवर की है। थैंक यू सो मच कुलदीप, थैंक्स अ लॉट। तो जी फाइनली बच्चों के साथ पहली ड्राइव और हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, शोरूम से गाड़ी बाहर
बाहर निकाल रही है मेरी बेबी, ये रहा। मेरी घर की लक्ष्मी ने लगा दिया है गियर। निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। बहुत ही कमाल के ड्राइवर, बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो ऊंची गाड़ियां वैसे इतनी पसंद है ना कि मुझे ऐसे बहुत अच्छा फील आ रहा है। क्रेटा में भी आता था बट इसमें और ज्यादा आ रहा है क्योंकि और ऊंची है। तुम्हें कैसा लग रहा है चला के? मेरे को तो बहुत एकदम कम्फर्टेबल हूँ, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत चलाई है गाड़ी है। मक्खन जैसी है बिल्कुल ना। कैसी है भाई? अच्छी लगी गाड़ी? कलर अच्छा है? मैं वही देखना चाहती, मैंने कहा आपका क्या रिएक्शन होता है। अच्छा कलर है, अच्छा मिठाई की आएगी, आएगी मिठाई तो ये लेके आए हैं, अभी आएगी सबके लिए मिठाई। थैंक यू थैंक यू।